हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं किरण, आज मैं बनाऊंगी नान खटाई। यह खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। बाजार की नान खटाई तो आप सभी ने ज़रूर खाई होगी। आज हम इसे घर पर कढ़ाई में बनाएंगे। यह बहुत आसानी से घर में बन जाती हैं। नान खटाई बनाने के लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती, आइए देख लेते हैं। मैंने लिया है 1 कप मैदा, यह बड़ा वाला कप है। 1 कप मैदा, आधा कप बेसन, जितना हम मैदा लेंगे उसका आधा हम बेसन लेंगे, और बेसन का आधा यहाँ पर मैंने लिया है सूजी, और मैंने लिया है आधा कप पिसी चीनी। चीनी में मैंने 3 इलायची डालकर इसको पीस लिया है, और इसके बाद इसको छन्नी से छान लिया है। और मैंने यहाँ लिया है आधा कप देसी घी। घी के बजाय आप मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने लिया है 1 चम्मच बेकिंग सोडा, खाने वाला नमक आधा चम्मच, ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं। आप इसमें पिस्ता, काजू कुछ भी ले सकते हैं। अब हम एक बाउल लेंगे बड़ा, और उसमें देसी घी डाल देंगे। और पिसी चीनी भी डाल देंगे। और इसे हमें अच्छे से मिलाना है। इसे हमें तब तक मिलाना है जब तक यह फूल ना जाए। इसे बहुत 5 मिनट तक ऐसे ही मिलाते रहिए। देखिए 5 मिनट हो गए हैं मुझे ऐसे फेंटते हुए, और हमारा ये डो फ्लफी हो गया है। अब हम इसमें मैदा, सूजी और बेसन तीनों को मिला देंगे, और नमक, बेकिंग पाउडर मिला के हम इनको अच्छे से एक डो इसका एक अच्छे से डो तैयार कर लेंगे। याद रहे इसमें हमें पानी या दूध डालकर नहीं गूंथना है। अगर हमें थोड़ा सा डो बनाने में दिक्कत हो रही हो तो इसमें हम थोड़ा सा घी डाल सकते हैं, पर पानी या दूध हमें इसमें नहीं यूज़ करना है। देखिए ऐसे करके अच्छे से मसल मसल कर एक डो तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने डो तैयार कर लिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर रेस्ट पर छोड़ देंगे, और 10 मिनट बाद हम इसकी नान खटाई बनाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं। अब इनकी छोटी छोटी लोइयां बनाकर पहले गोल शेप देंगे, इसके बाद फिर पेड़े का आकार बनाएंगे। देखिए इस तरह। इसको पेड़े की तरह शेप दे देंगे, और इसके बाद एक नाइफ से कट का निशान लगा देंगे, और इसमें ड्राई फ्रूट लगा देंगे। मैंने यहाँ बादाम लिया है, आप कोई भी ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं अपनी पसंद का। देखिए एक और बना लेते हैं। ध्यान रहे लोइयाँ हमें बराबर बराबर लेनी है, जिससे सारी नान खटाई हमारी एक शेप की बने। मैंने यहाँ पे देसी घी का प्रयोग किया है, आप देसी घी के बदले बटर भी ले सकते हैं। ये देखिए इसी तरह हमें ये सभी नान खटाई तैयार कर लेना है। ये हमने सभी बना लिए हैं नान खटाई। इतने डो में हमारे 20 नान खटाई हुए हैं। गार्निशिंग आप अपने अनुसार कर सकते हैं, आप इस तरह भी और इस तरह भी, आपकी मर्जी के अनुसार जैसा आपको ठीक लगे वैसे गार्निशिंग कर सकते हैं। अब हम इन्हें बेक करेंगे। बटर पेपर लेंगे और उसे बेक करने वाली ट्रे पे रख देंगे,
अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप घी से ग्रीस कर सकते हैं, इससे भी बिस्किट नहीं चिपकेंगे। अब ऐसे हम इनको रख लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें मैंने देखो नमक डाल दिया है। अब हम इसे प्री हीट कर लेंगे नमक को। इस नमक को मैं पहले भी इस्तेमाल कर चुकी हूँ, इसीलिए इसका रंग कुछ कुछ ब्राउन है। आप नमक इस्तेमाल करने के बाद जब वह ठंडा हो जाए तो उसे फिर से स्टोर करके रख सकते हैं, और जब ज़रूरत हो तो फिर से बेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें स्टैंड रख दूंगी और ढककर 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। पाँच मिनट हो गए हैं और ये गर्म भी हो गया है। अब हम ये ट्रे को रख देंगे और ढककर 10 मिनट तक धीमी आंच पे बेक होने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, आइए हम इन्हें चेक कर लेते हैं। अभी हमारी नान खटाई नहीं हुई है, इसे अभी हम तेज आंच पर 10 मिनट के लिए और छोड़ देंगे। आइए अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे बिस्किट नान खटाई बिल्कुल बनकर तैयार हैं। इसे बेक होने में 20 मिनट और लगे हैं, यानी कुल मिलाकर आधा घंटा लगा है। अब हम बचे हुए नान खटाई को भी बेक कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको ठंडा होने के बाद मैंने इसकी प्लेटिंग कर ली है। ये नान खटाई बहुत ही अच्छे बने हैं, आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो ऐसे ही आगे मेरी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और पहले मेरी रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू।